हाय फ्रेंड्स, टाइगर फॉर ऑल एग्जाम चैनल्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको इंग्लिश लिटरेचर के काफ़ी अच्छे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि आपके आने वाले कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे एनवीएस का हो, केवीएस का, डीएसएसबी का, या क्यों ना यूजीसी नेट का हो या एलटी ग्रेड का हो। जिस एग्ज़ाम्स में भी आपको इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन पूछता है, उस एग्ज़ाम्स के लिए आप ये वीडियो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि इसमें हर तरीके के क्वेश्चन या हर एज या हर पोर्शन से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के, एनवीएस का पेपर है टीजीटी पीजीटी का, उसके लिए बहुत कम समय है तैयारी के, तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपके लिटरेचर पोर्शन से पूछेगा, तो उसके लिए आप ये वीडियो बहुत अच्छा है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द जनरल प्रोग ऑफ द कंट्री विच टेल्स गिव एन अकाउंट ऑफ ए जर्नी ऑफ द पिलग्रिम्स अंडर द गाइडेंस ऑफ। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जॉन हैरी बेली हेरी वैली के गाइडेंस में ये पिलग्रिम्स थॉमस बेकेट के मज़ार पे, यानी कि थॉमस बेकेट के श्राइन पे जा रही थी, जिसमें 29 कैरेक्टर हैं, यानी कि यात्री हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, फिलिप सिडनी कमेंटेड द हैविंग स्लीप्ड इनटू द टाइटल ऑफ पोएट इन। तो ये जो है, ये जो लाइन ली गई है, ये फिलिप सिडनी की एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री से ली गई है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, शेक्सपियर वॉज कॉल्ड एन अपस्टार्ट क्रो बाई। तो ये काफ़ी जनरल क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कभी ना भूलें, और ये हमेशा क्वेश्चंस ये एग्जाम्स में पूछता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रॉबर्ट ग्रीन जो है शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो कहे हैं। नेक्स्ट है, द क्रिटिकल वर्क शेक्सपियरियन ट्रेजडी वॉज रिटेन बाई। तो ये जो क्रिटिकल वर्क है शेक्सपियरियन ट्रेजडी, ये है एसी ब्रैडली के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट नंबर है, इज ए पोएम इन द मेमोरी ऑफ एडवर्ड किंग हु हैज ड्रॉन वाइल क्रॉसिंग द इरिस सी। तो मिल्टन की जो लिसीडास है, एक एलजी है जो कि के एडवर्ड किंग पे लिखी गई है मेमोरी में। नेक्स्ट नंबर है, कंटेंडेंट दैट मिल्टन इन पैराडाइज लॉस्ट वाज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। ये लाइन जो है वो मिल्टन के लिए कही गई है विलियम ब्लैक और सेली के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द लाइन गिवन बिलो आर फ्रॉम फिलिप लार्किंस पोएम टाइटल्ड द पावर ऑफ सम सॉर्ट्स और अदर विल गो ऑन इन गेम्स इन राइडल्स सीमिंगली एट रैंडम। तो ये जो लाइन है, ये पंक्तियाँ हैं, ये फिलिप लार्किन की चर्च गोइंग से कोट की गई हैं। नेक्स्ट नंबर है, एंड्रयू मोशन इज द ऑफिशियल बायोग्राफर ऑफ। तो एंड्रयू जो मोशन है, वो फिलिप लार्किन के बायोग्राफी लिखी है। नेक्स्ट है, इज एसोसिएटेड विद डिकंस्ट्रक्शन। तो डिकंस्ट्रक्शन जो हो, वो डेरिडा का वर्ड ही, डेरिडा जो है वो डिकंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई हैं, जुड़े हुए हैं, सॉरी, डेरिडा मेल है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इन थियरी क्लासेज नेशंस लिटरेचर इज रिटेन बाई। तो ये जो है, ये एजाज अहमद की द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, द टोटल मिसलेनी वॉज ब्रॉट आउट इन 1557 बाई रिचर्ड टोटल एंड कोलेबोरेशन विथ। तो इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, निकोलस ग्रिमाल्ड। अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी आंसर गलत लगे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो इस तरह के क्वेश्चन आपको लिए लेके आए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द पोएम प्रोग्रेस ऑफ सोल। प्रोग्रेस ऑफ सोल जो है, वो हेनरी वैन की लिखी गई है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, इज़ द राइम स्कीम ऑफ द स्पेंसरियन स्टेंजा। तो स्पेंसरियन स्टेंजा जो है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ABABBCBCC, नई लाइन की जो होती है, अलेक्जेंड्रियन लाइन भी कहते हैं इसको, यानी अलेक्जेंड्रियन स्टेंजा भी कहते हैं। नेक्स्ट है, कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज शेक्सपियर
पियर्स प्ले, प्रॉब्लम प्ले। तो इसमें जो प्रॉब्लम प्ले है, डार्क कॉमेडी, प्रॉब्लम प्ले का मतलब होता है डार्क कॉमेडी कौन कौन सी है, जिसमें डार्क कॉमेडी वो होता है जिसमें कि एक बैड ट्रिक होती है। तो इसमें जो है ए बी और डी जो है वो प्रॉब्लम प्ले है, जो सी नंबर है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस में कोई बैड ट्रिक नहीं है, तो ये जो है प्रॉब्लम प्ले नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बायोग्राफिया लिटेरिया बाई प्रोक्लेम्ड शेक्सपियर्स कैरेक्टर एज ह्यूमन टाइप्स। तो किसने कहा ये नहीं, ऑप्शन नंबर डी कॉलरिज ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉट स्पर इज किल्ड एट द बैटल ऑफ, तो श्यूसबरी जो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इन द ड्राइडन क्रिटिसाइज द एग्लिकन चर्च, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, द हाइंड एंड पैंथर में। फ्रेंड्स हम जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सके। तो नेक्स्ट है डंसियाड वाज ए रिप्लाई टू फॉर हिज क्रिटिसिज्म ऑफ पोप एडिशन ऑफ शेक्सपियर, तो ये इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए थियोबॉल्ड। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क ऑफ लॉर्ड बैरन, तो लॉर्ड बैरन की जो हुडीवरा से ये नहीं है, यानी कि चाइल्ड होरर प्रिगमेज है, डॉन जॉन डॉन है और ब्रिज ऑफ एविडस है। नेक्स्ट है डेस इमेजिस्ट्स इमेजिस्ट्स एंड एंथोलॉजी ऑफ इमेजिस्ट पोएट्री वाज एडिटेड बाय, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, एजरा पाउंड। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ डब्ल्यू एच ऑर्डेंस पोयम विद दिस लाइन। लाइन है इन द डिजॉर्ड्स ऑफ द हर्ट लेट द हीलिंग फाउंटेन स्टार्ट, इन द प्रिजन ऑफ हिज डेज टीज द फ्री मैन हाउ टू प्रेज। तो ये लाइन जो है ये मेमोरी ऑफ द डब्ल्यू एच से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेस्ट लैंड इज डेडिकेटेड टू, ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके कोई भी एग्जाम्स में पूछ सकता है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, एजरा पाउंड को डेडिकेट किया है। फ्रेंड्स इसमें कुछ क्वेश्चन है जो कि लिटरेचर से नहीं है, तो आपको ग्रामर का अगर करना होगा तो आप हमारे ग्रामर वाला पोर्शन देख सकते हैं। तो इसमें सिर्फ लिटरेचर के क्वेश्चन होंगे। तो इज वन ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द एम्पायर राइट बैक, तो ये जो एम्पायर राइट बैक है ये इसका ऑप्शन नंबर डी चाहिए, बिल एशक्राफ्ट की है। नेक्स्ट है इज द राइटर ऑफ सॉलिटरी डिवोशंस, सॉलिटरी डिवोशंस किसकी है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी चाहिए, हेनरी वैगन की है। नेक्स्ट है हु इज द ट्रैवलर इन द मूर्स अटोपिया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, हिट लोडियस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय फ्रांसिस बैकन, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, ये जो रोगर बैगन के बैकन के द्वारा लिखी गई है, फ्रांसिस बैकन के द्वारा नहीं लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द क्वीन इन द प्ले गार्बेडक, तो गार्बेडक की हीरोइन कौन है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, वीडेना। नेक्स्ट है वन अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ प्ले राइट्स कॉल्ड द यूनिवर्सिटी वेट्स, तो आपको यूनिवर्सिटी वेट्स पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो फ्रेंड्स इसमें तीन ऑप्शन जो है वो सही है, मार्लो नेश और ग्रीन, ये जो पिनेरो है वो नहीं है, सेवन लोग हैं। नेक्स्ट है हु इज द साइलॉक डॉटर्स इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो साइलॉक की डॉटर का नाम क्या रहता है, तो वो इसका ऑप्शन नंबर ए जेसी का नाम रहता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है व्हाट यू विल इज़ द सब टाइटल ऑफ, तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी चाहिए, टेल नाइट। नेक्स्ट है मिरांडा इन द टेम्पेस्ट इज़ द डॉटर ऑफ, तो ये बहुत लोगों को पता होगा, प्रोस्पैरो की डॉटर थी मिरांडा। नेक्स्ट है विच इज़ द लास्ट प्ले डैट शेक्सपियर रोट, तो ये जो है ये टेम्पेस्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ शेक्सपियर्स कैरेक्टर गिवन बिलो कमेंट्स ब्लो वाइंड्स एंड क्रैक योर चीक्स, ये लाइन जो है वो किंग लियर से ली गई है, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉटर ऑफ काउंट फ्रांसिस्को इन द सेंसी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी चाहिए, बिट्राइस नाम है। नेक्स्ट है द डिफेंस ऑफ पोएट्री इज रिटन बाई, तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, सेली। नेक्स्ट है द सोर्स ऑफ सेलीज प्रोमीथियस अनबाउंड वाज टेकन फ्रॉम प्रोमीथियस बाउंड रिटन बाई, तो ऑप्शन नंबर ए एचिलस। नेक्स्ट है कमेंटेड अबाउट ब्राउनिंग ए मोर इंटेंस इंटेंस एंड मॉर्बिड सेल्फ कॉन्शियस देन आई इवर न्यू इन एनी सेन ह्यूमन बीइंग, ये लाइन जो है ब्राउनिंग के बारे में जेएस मिल ने कही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है द सोर्स ऑफ टेनिसम द लोटस ईटर वॉज टेकन फ्रॉम, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, द ऑडिट ओडिसी से ली गई है होमर की। नेक्स्ट है हु आर द ब्रिंगवेन सिस्टर इन लॉरेंस वुमेन इन लव, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, गुड्रुन एंड उर्सुला। नेक्स्ट है वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर इन एनिमल फॉर्म, तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन नंबर डी है विक्टर ये नहीं है, नेपोलियन स्नोबॉल और बॉक्सर है। नेक्स्ट है इन विच बुक डज जेम्स जॉयसी स्टेफन डेडलस री अपियर एज वन ऑफ द प्रिंसिपल कैरेक्टर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यूलिसिस। नेक्स्ट है हुज वर्ड आर दिस इन द प्ले राइज टू द सी राइडर टू द सी, नो मैन एट ऑल कैन बी लिविंग फॉर एवर एंड वी मस्ट बी सेटिस्फाई, तो ये नोरा की लाइन है। नेक्स्ट है विच इज़ द प्ले विच वॉज नॉट रिटन बाई बैकेट, तो फ्रेंड्स जो बी ऑप्शन है जूनू एंड पिकॉक वो इनके द्वारा नहीं लिखी गई हैं। तो फ्रेंड्स आपको आगे की भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बी कॉन्टिन्यू, अगले वीडियो देखिए हम। थैंक यू फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो आप बिल्कुल भी कर लीजिए, क्योंकि आपको इंग्लिश लिटरेचर के सारे क्वेश्चन इस वीडियो मतलब कि मेरे वीडियो में मिलेंगे आपको।